हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सनी देओल ने मचाई हुई है गदर। जी हां, बॉक्स ऑफिस पर हर कोई सनी की ही कर रहा है चर्चा, सनी की ही हो रही है फिल्म गदर 2 की तारीफें। हर कोई बेताब है सनी की गदर 2 देखने के लिए। वही मैं आपको बताना चाहती हूं कि अब सनी देओल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने पापा धर्मेंद्र की कर दी है बढ़ चढ़कर तारीफ। यकीन नहीं हो रहा तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि सनी देओल ने साफ शब्दों में कह दिया है कि मेरे पापा ने शबाना आजमी को जिस तरीके से किस किया है वो उनके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। ये तमाम चीजें हमारे जीन्स में है। बता दूं आपको कि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई गदर 2 की, तो उस दौरान सनी से सवाल किया गया कि आपके पापा ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में शबाना जी को किस किया है, उस पर आपका कैसा रिएक्शन है। तो इस पर काफी मजाकिया अंदाज में सनी देओल नजर आ रहे थे और वो काफी ज्यादा खुश थे, काफी एक्साइटेड थे और वही अपने पापा की जमकर तारीफें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि मेरे पापा ने कितनी शानदार फिल्में की हैं और मेरे पापा जैसा फिल्मों में किरदार कोई नहीं निभा सकता है। हमारे खून में है, हमारे जीन्स में है ये सब और मेरे पापा सबसे परफेक्ट है। अपने पापा के गुणगान गाते नजर आए हैं सनी देओल और उन्होंने कह दिया है कि पापा ने जिस तरीके से किस किया वो हर तरीके से परफेक्ट था। वो अपनी हर चीज को फिल्मों से जुड़ी हुई सबसे ज्यादा अलग तरीके से पूरा उसमें घुस कर करते हैं और वो हमेशा से ही परफेक्ट नजर आते हैं। ये तमाम चीजें सनी ने अपने पापा के लिए तारीफ में बोली और कहीं ना कहीं वही सनी देओल भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं, तारीफें बटोर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो गदर 2 है वो 5वें दिन 55 करोड़ कमाती नजर आई है और टोटल आंकड़ा 5 दिनों में 228 करोड़ का हो गया है। यानी कि अब ये फिल्म 300 करोड़ के क्लब में भी जल्द ही शामिल हो सकती है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।